सो ये गाइस गुड मॉर्निंग, यहाँ हो चुकी है यशवी, रेडी हो रही है। उठाई थी मैंने तो इसकी होगी स्केटिंग क्लास की तैयारी। तो ये देखिए बच्चों को सुबह सुबह उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पर कर लगानी भी जरूरी थी। वीडियो तो ठीक है पर इसकी लाइट जलेगी पूरा एक घंटा यार। ऑप्शन है ले आई दे पानी की बोतल यार। यशवी शो मी यू आर रेडी। यहाँ आ गया मेरा नाश्ता, मैंने चीला बनाया था। देखिए प्याज ज़्यादा डाल रखी है मैंने इसमें और हरी मिर्च और मेरी गुड़ की चाय, बस माधे कप से भी नीचे ही लेती हूँ। यहाँ मेरा लूनी घी इकट्ठा हो गया था तो मैंने कढ़ाई में रख दिया, बाकी सारे काम होते रहेंगे साथ के साथ। यहाँ बन गया मेरा घी, बस थोड़ी देर और लगेगी इसमें बाद में, मैं इसको छान के रखूँगी। देखिए लस्सी लस्सी पूरी ऊपर आ गई है और घी पूरा एकदम रेडी है। और आज मैं करूँगी बच्चों के सिपर साफ़। तो ये देखिए इसमें ना अंदर दूध सा लग रहा था मेरे को हल्का हल्का सा, तो मैं एक दो दिन छोड़ के साफ़ कर ही देती हूँ इनको। तो ये देखिए यहाँ लग रहा ना यहाँ पे, ये देखिए तो इसका मैंने ब्रश मंगवा रखा है ये वाला। तो ये देखिए ये अगर पूरा सर्फ डाल के पूरा अंदर एकदम जाओगे ना तो पूरा साफ़ हो जाएगा प्रॉपर। ये देखिए तो बस मैं यही साफ़ करूँगी फटाफट। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और मैं नहा चुकी हूँ, टाइम हो गया है 11:15। तो इनकी कॉल भी आई थी, मैंने वो भी कट कर दी, बस मैं जस्ट नहा के आई और हेयर वॉश भी किया आज मैंने। तो व्लॉग स्टार्ट हो गया, आज बनाऊंगी दाल राइस। लेट हो गई हूँ थोड़ी सी, बच्चों को लग रही है भूख, तो जाऊंगी फटाफट किचन में, पहले उन्हीं का ही करके दूंगी है ना। और आज हो गए हैं मेरे 400 सब्सक्राइबर कंप्लीट, आज नहीं एक्चुअली कल ही हो गए थे। तो उसके लिए आप सबका बहुत 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 थैंक यू, दिल से बहुत 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 धन्यवाद। तो ऐसा एक राउंड फिगर बनता है ना, जैसे 100 हुए, धीरे धीरे 200 हुए, धीरे धीरे 300 हुए, 400 हुए अभी। तो बस मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे इसी तरह आप लोगों का बनी रही है। और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दिन रात कोई बंदा लगता है और उसको ऐसी खुशी मिलती है तो बस बता नहीं सकती। जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरी ये जर्नी कैसी रही और कैसे मैंने मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाए, कैसे क्या किया, क्या वीडियो डाली, आप लोगों को पता ही है। सो गाइस बात करते हैं अभी मेरे वेट लॉस पे। तो मैंने 4 kg कम किया है अभी, तो ये कुर्ती काफ़ी टाइट थी मेरे, तो लूज़ भी हुई है। मैं यूं नहीं, अभी भी यूं नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा एम है जिस दिन कम होता जाएगा मैं वैसे वैसे आप लोगों को बताती जाऊंगी। मेरा डाइट चार्ट भी मैं सब कुछ शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। अब मुझे यूँ लगता है कि मैं जितना अच्छा बोल सकती हूँ मैं यहीं पे आके बोल सकती हूँ, आप लोगों के साथ ही शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि आप इतना खुल के नहीं बोल पाते हो किसी के आगे जितना आप यहाँ बोल पाते हो। मैं आप इतनी कम्फर्टेबल हो गई हूँ, जो बातें शेयर करनी होती है मैं यहीं करती हूँ। घर वाले भी मेरे ब्लॉग देख के ही पता लगता है कि इसके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं। तो बस वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट हो गई है। और मैंने आज सुबह लिया था चीला, आप लोगों ने देखा मैंने व्लॉग स्टार्ट सुबह से ही कर लिया था है ना। तो अभी मैं लूँगी वापस ब्लैक कॉफ़ी, तो सुबह ले ली थी एक बार अभी बस चावल राइस चोकते चोकते दाल बनाते मैं अपनी एक और कॉफ़ी ले लूँगी। तो बस जाऊँगी फटाफट किचन में गाइस, क्योंकि लेट भी हो रहा है। और केतकी की कुर्ती इतनी अच्छी लगी तो शायद मैं भी मंगवाऊँगी बहुत सारे लेके आई है वो, हाथ दुखने लग गया, तो मुझे भी काफ़ी पसंद आई उसकी। तो मैं बोल रही थी कि वो बट उसका घर बहुत दूर पड़ जाता है, ऐसे देखता है क्या होता क्या नहीं, जाया गया तो मैं भी मंगवा लूँगी, अगर नहीं गया गया तो ठीक है। तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। सो गाइस मैं आ गई किचन में, और किचन में आके देखा मम्मी ने पहले ही दाल और राइस दोनों बना दिए थे। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ रेडी हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं दाल कैसे लेती हूँ तो और क्या करती हूँ उसमें, तो सब्जी और दाल दोनों मेरा सेम ही रहता है। तो ये देखिए आ गया था मेरा नया मटका, तो पानी काफ़ी ठंडा रहता है यार, फ्रिज की भी जरूरत नहीं पड़ती। सो गाइस देखिए यहाँ पे बना दी है मम्मी ने दाल और यहाँ पे लगा दिए राइस। तो मैंने अपनी थोड़ी सी दाल आधी कटोरी इसमें ले ली और मैं इसमें करूँगी पानी ऐड, क्योंकि ये दाल इतनी गाढ़ी है और मुझे चाहिए नहीं इतनी, और ना इससे मेरे तेल भी कम जाएगा और सूप सा भी हो जाएगा। बस मैं इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी, क्योंकि मुझे देखो मिर्ची ज़्यादा लगती है इसलिए मैं थोड़ा सा हल्का सा मिर्ची पाउडर भी इसमें ऐड कर दूँगी, और बस ये लूँगी और हल्की सी इतनी सी दही। तो ये रहेगा मेरा आज का लंच। सो गाइस यहाँ मैं लूँगी अपनी थोड़ी सी कर्ड, और कर्ड मैं कभी कभी लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ रोज़ लेती हूँ, तो मैं इतनी लूँगी। और इस कर्ड में मैं मिलाऊँगी अपनी चिया सीड्स, मैं ये भी भिगोना स्टार्ट कर दी हूँ, आज 2-3 दिन से ज़्यादा दिन हुआ अभी स्टार्ट करा। तो इसमें मैं 1 चम्मच ये भी ऐड करूँगी, ये होगी मेरी ये, और इसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट और जीरा पाउडर, दैट्स इट। गाइस जीरा पाउडर मैं रखती हूँ ऐसे स्टोर करके, मैं भून के इसको एयर टाइट डब्बे में बंद कर देती हूँ, इससे काफ़ी फ्रेश भी रहता है। और ये देखिए ये मैं डालूँगी इसमें, तो यहाँ दही भी हो जाएगी। यहाँ मेरी दाल मैं अच्छे से बॉईल करूँगी, ऐसा नहीं कुछ पानी ऐड कर दिया मैं ले लिया, नहीं, सूप जब तक अच्छे से पानी इसमें पक नहीं जाएगा तब तक मैं इसको पकाऊँगी। तो ये देखिए, अगर हो सकता है इसके साथ सैलेड भी चल सकता है यार, अगर कोई काट देता तो मैं सैलेड ले लेती, नहीं तो वो भी
हाँ वो ही कर देती हूँ, काट निकाल के सजाता है मुझे, तो आप लोग वो भी ले सकते हो। गाइस आ गया मेरा लंच, तो ये देखिए मैंने दाल और कर्ड ले ली है अपनी। तो देखो अगर आप बिना एक्सरसाइज करे वेट कम करने का सोच रहे हो, क्योंकि मैंने शादी से पहले भी किया था तब तो मैंने इतनी एक्सरसाइज करी थी, मैं दो टाइम एक्सरसाइज करती हूँ, एक घंटा सुबह करती थी एक घंटा शाम को, बट अभी बच्चे छोटे और मुझसे हो नहीं पा रहा क्योंकि घर में कहीं जगह भी नहीं है, तो सुबह सुबह मैं उठूँ और मैं एक्सरसाइज कर लूँ। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा बहुत मैं ऐसे ही बिना खाए पिए करूँगी और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी कितना वेट कम होता बिना कुछ एक्सरसाइज करे, बस खाने पीने से। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो देखो आप लोगों को खाना पीना तो ऑलमोस्ट छोड़ना ही पड़ेगा, बस वही चीज़ खानी पड़ेगी जिनमें फैट ना हो। तो बस यही है मेरा लंच, मेरा लंच देख ले तू है। मैंने चिया सीड्स भी भिगोनी शुरू कर दिया, आज मेरी दाल का सूप और कर्ड। अरे यार मैंने डाल लिया प्लास्टिक में, कोई बात नहीं, हाँ प्लास्टिक हो गया बात सही है, पर मैंने डाल ली। तो गाइस यहाँ मेरी दाल ट्रांसफ़र हो गई है, मेरी स्टील की बन जो गुस्सा करेगी प्लास्टिक में मतलब, क्योंकि दाल गर्म थी बहुत ज़्यादा तो इसीलिए इसमें ट्रांसफ़र कर दी। ये हुआ रात का, ये मत खा। मतलब मेरे साथ डाइटिंग पंजू भी आ गई ना, ये लड़की खाना खाती बस एक रोटी, मेरे तो भी कम खा रही है बता, कुछ नहीं खाया तूने। तो गाइस यहाँ निकल चुका है मेरा घी और ये देखिए पूरा डब्बा ये भर दिया मैंने, और ये कटोरी ये निकल गई थी, ये हो गया पूरा, तो दो में निकाल दिया था मम्मी ने। और यहाँ बन गई है मेरी ब्लैक कॉफ़ी, तो मैं लेके जाऊँगी, सब पी नहीं पाई क्योंकि मम्मी ने दाल बना दी थी। तो ये देखिए एक 750 ग्राम तो होगा, ये एक किलो में थोड़ा सा ही कम है, और ये डब्बा भी अच्छा खासा बड़ा है, तो ये घी आ जाएगा शाम को कम। और अभी लेके चलूँगी अपनी ब्लैक कॉफ़ी। तो हे गाइस हो गया मेरा लंच और मैं लेके आ गई रूम में अपनी कॉफ़ी, तो ये अपना ब्लॉग एडिट भी करूँगी साथ के साथ और अपनी कॉफ़ी भी इंजॉय करूँगी, क्योंकि ये मी टाइम होता है और अकेले में लो तो बड़ा अच्छा लगता है। तो बस मैं अपना मी टाइम लूँगी और रश्मि खा रही है बाहर खाना, अब तक ना यश्मि को मैं खुद से खिलाती थी बट मम्मी बोली कि अब इसको खुद से खाना सिखा, क्योंकि यश्मि खुद से खाती ना तो थोड़ा बहुत खाती है, कम खाती है, और मैं खिलाती तो फिर मैं अच्छे से खिला देती हूँ उसको। तो आज मैं उसको खुद से देख के आई हूँ, मैंने कहा थोड़ा बहुत सीख भी लेगी, मम्मी पीछे पड़ी थी, खुद से सीखा और नौ को खिला दिया था मम्मी ने। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे रूम में, बस थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, मिलूँगी थोड़ी देर बाद में। वो तो शाह है लड़का, यहाँ लिपस्टिक लगा के गया क्या, ये पूरी की पूरी खराब कर दी इसने, तो लिपस्टिक भी मेरी पूरी खराब कर दिया लैक्मी वाली। कहाँ है लड़का? ओ भाई साहब, सारी लिपस्टिक देखो क्या किया, ये तोड़ दिया। ला मेरे को दे, दिला इस पे रख, रख इस पे, अब पीटी करूँ तेरी है, पीटी कर दूँ क्या, अरे पीटी कर दूँ, ऊपर देख मेरे साइड देख, अभी नीचे भी बाकी है, नहीं हो रहा ये। रख इसको इस पे, छोड़ दे इसको, छोड़ दे, हाथ दिखा अपने, ये देख लो, ओहो पूरा फर्श, चल हैंड वॉश करा, रुक जा तू हैंड वॉश करा, चल रूम में चल, वेट मैं दे रही हूँ, पूरा साफ करना इसे, ठीक है। ये देख लो इस लड़के ने क्या किया गाइस, देख लो सारी लिपस्टिक पूरा वो, अभी तो पूरी किचन बाकी है मेरी साफ करनी, और पूरा मम्मी का रूम करिया है ये। हे गाइस हो गया शाम और टाइम हो गया है 5:15, तो मैंने चाय ले ली थी गुड़ की, गुड़ वाली थोड़ी सी, और आज मेरे को इतनी तेज़ भूख लगी तो मैंने ना ये छोले बॉईल करके रख रखे थे, इनकी मैं चाट सी बना के लाई हूँ, टमाटर प्याज नमक और मिर्ची और नींबू डाल के। तो ये नींबू डल रहा तो वैसे भी एक हेल्दी होगा, तो ये देखिए मैंने पहले ही बॉईल करके रख दिए थे ये वाले, ये देखिए कैमरा कैप्चर क्यों नहीं कर रहा, तो ये वाले इसकी मैंने चाट सी बना ली है, तो बस मैं ये लूँगी क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है यार। एवरीवन आ गई हूँ मेरे किचन में और मैं बनाऊंगी ब्लैक कॉफ़ी अपनी। तो ये देखो हो गया दूध बॉईल, खेत की कर गई थी दूध वाला, और ये इसमें दही जमेगी इस वाले की, बस बर्तन आशा कर गया साफ, इनको बस जचाऊंगी मैं, और मैंने कर दिया झाड़ू पोछा यहाँ पे, और मैं बना रही हूँ अपनी ब्लैक कॉफ़ी मेरी रंजू की,
अंजू तो पता नहीं मेरे साथ साथ में डाइटिंग करके जाएगा, बोल रही मेरी भी लेके आओ, तो मैंने कहा ठीक है तो उसको भी दूंगी और मैं अपनी भी बनाऊंगी। लगता कि बहुत ज़्यादा ना भूख लग रही है आपको, तो फिर मैं ब्लैक कॉफ़ी बना लेती हूँ। चाहे मेरी 3 से 4 बार हो जाए, 3 बार तो है ही, मेरी थर्ड टाइम की। अभी एक बार मैंने सुबह ली थी, फिर मैंने दिन में ले ली थी खाना खाने के बाद, अभी मैं ले रही हूँ शाम को। सो गाइस ये चम्मच कर दी थी मैंने गीली, अभी मैं लूँगी एक और, तो मैं ज़्यादा नहीं लूँगी अब क्योंकि मैंने दिन में भी ले ली थी कि आपका रात को एक और हो जाए। तो यहाँ बन गया कॉफ़ी, और ये देखिए ब्लैक कॉफ़ी बनने के बाद ऐसे जो झाग आते हैं ना, मेरे को इतने अच्छे लगते हैं। अभी देखना ये वाली कॉफ़ी है, इसमें आ जाएंगे झाग, एकदम वाइट 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 हो जाएगी ये भी। चलते हैं ब्लैक कॉफ़ी लेके। ये देखिए मैंने दोनों कप ले लिए बड़े बड़े, और आज मेरे को ये आ रही है हिचकी, पता नहीं पतिदेव मिस कर रहे हैं क्या, बहुत बहुत हिचकी आ रही है। 2-3 बार आ ली तो बोलते हैं, 2-3 बार आती है तो कोई याद करते हैं। तो मैं दूंगी कॉफ़ी। तन मेरे तक कल इतना बड़ा मग भर दिया था ना, कह रही मैं इतना ही बड़ा मग लिया करूँ। मैं तो आधी चम्मच डाला करूँ बिल्कुल कॉफ़ी। चल कोई तो मेरा साथ मिला, पर मैंने तेरा साथ दिया जो तू तो पिया करती पहले ही। करेंगे आ जा, तेरा फेस दिख रहा मेरा नहीं दिख रहा। मेरा काफी है। फेमस तो होगी बस मेरी अगर चल गई ना, इतनी मेहनत करूंगी, इतनी मेहनत करूंगी, दिन में 2-2 वीडियो अपलोड करा करूंगी एक साथ। एक बार चले सही, बस एक बार हो 1000 सब्सक्राइबर, चैनल मोनेटाइज हो, फिर देख तू यो चैलेंज वो चैलेंज, बस डाले जाऊंगी वीडियो, अब पति देव भी आ जाएंगे और भागा गया तो शेयर करना। इतना कुछ रहेगा मेरे पास, बस वो है अंदर का भरा पड़ा है, तो मेरे पास भरा पड़ा है, पर मैं धीरे धीरे बताऊंगी एक एक चीज की क्या क्या है क्या क्या नहीं है। अभी नहीं फूटूंगी, जब एक बार भी फूटूंगी अंजू तो उसका एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी। हाँ वही जो चीज साथ साथ चलती जाएंगी, एक एक चीज अंदर से फूटती जाएंगी और आप लोगों को पता चलता जाएगा कि क्या चल रहा हमारे घर में, क्या नहीं चल रहा हमारे घर में। बट अभी मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो चैनल सब्सक्राइब करो पहले और मेरा चैनल मोनेटाइज करा दो। सो गाइस गप्पे शप्पे मारने के बाद मैं आ गई मेरी किचन में, तो मैं धीरे धीरे ना करती जाती हूँ कुछ कुछ। तो ये बर्तन पड़े थे, अभी मैं बर्तन रखूंगी साइड में, मैंने बैंगन भी चढ़ा दिए, इनका बनाऊंगी बैंगन का भरता। तो ये देखिए मेरा टाइम पास भी हो रहा है साथ साथ काम भी। तो हे गाइस यहाँ पे हो गया मेरा पूरा काम ऑलरेडी, और मैंने यहाँ पे रख दिया अपने 3 बैंगन, तो मैं भून रही हूँ इनको। मैंने इन पे ऑयल लगा के और ये गैस पे रख दिए थे, मैं सोचा तब तक मेरे बर्तन हो जाएंगे तब तक मेरे बैंगन हो जाएंगे अच्छे से भून जाएंगे। आज मैं बनाने वाली बैंगन का भरता, तो उसकी रेसिपी भी आप लोगों को शेयर करूंगी। क्योंकि आई ना ये शेयर तो 2.5 घंटे हो गए, मम्मी गया ना इतनी देर, 4:30 बजे की गई हुई है, 5:30, 6:30, 7:15 हो गए अभी तक है। हाँ खाना तो मांगेंगे, भूख लग रही होगी उन्हें। क्या बनाऊँ, भरता छोक दो इतना। अब सुन ले मेरी बात, कल बाहर चला के किते कई दिन हो गए घर में पड़े पड़े, हमारे पीछे मोल गए ही नहीं है, कहीं नहीं गए माते, मोल चलते माते बिजी आते। तो ही चल MG रोड चला, अरे बोर हो रही हूँ मैं, चल ले एक दिन। कौन आ गया राम राम वाला, मम्मी का पास है। तू चल रही ठीक ना, तो फिर मैं जा रही हूँ कल, पति देव होते तो मैं भाग जाती जब यार, बोर बोर सारा गलना गया, कई दिन हो गए घर में पड़े पड़े, बस मंदिर गए थे उस दिन। हवा देव कि तू करा कर नहीं आई अब गुड़गांव तक, सारी चीज करा कर आई है, हैं? और व्लॉगिंग में पूछ ले सब तक भले ही, अब मैंने कुछ भी कराया होता अब तक, बस मैंने वैक्सीन कराई है खाली। अच्छा मैंने बर्थडे गिफ्ट दे दे वो, चल मेरा स्मूदिंग का प्लीज, मुझे ज्यादा जरूरत है, मैं व्लॉगिंग करती हूँ, तुम्हें नहीं है, तुम मेरी वीडियो में आती हो बस। लगा दो चीज राजू, खंग दोनों चीज तो अच्छा टेस्ट आ जाएगा, देख दो क्या एक पीस दे। तो कैसे यहाँ, और ये बच्चों की पराठे की तैयारी है, मैं चीज दे रही हूँ मम्मी को। अभी बोल दादी, तो गाइस मैं आ गई मेरी किचन में, और ये देखिए मैं एकदम सारा सामान मैंने रेडी कर लिया अपना भरते का, तो मैं बस अभी छोकूंगी इसको, तो दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ।
यहाँ हो गया मेरी तैयारी, मैंने कढ़ाई रख लिया, तेल गरम हो गया, यहाँ पे डाला मैंने जीरा और ये मैंने अनियन डाल दिया। अनियन ब्राउन होने के बाद मैं इसमें डालूंगी टमाटर, और टमाटर ऐड करने के बाद इसमें डालूंगी मैं हरी मिर्ची। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया मेरी हरी मिर्ची, तो इसको अच्छे से मिक्स करना है और चलाना है थोड़ी देर। इसके बाद मैं डालूंगी इसमें मटर जो मेरी मैंने भिगो दी थी पानी में पहले, और मटर डालने के बाद सारे मसाले जाएंगे इसमें, हल्दी नमक मिर्ची सब कुछ, धनिया पाउडर। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको थोड़ा सा पकाऊंगी, और 4-5 मिनट पकाने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी बैंगन। तो ये देखिए मेरी अच्छे से होगी सब्जी यहाँ पे, और ये अभी इसमें जाएंगे बैंगन थोड़े से। तो ये देखिए मैंने जो ग्राइंड करे थे थोड़े से मैंने इसमें कर लिए थे ये, तो वो ऐड कर दिया बस ऐसे चलाने के बाद, थोड़ी देर आपका रेडी है। तो हे गाइस मैं आ गई हूँ रूम में और बस किचन में काम कर रही हूँ, टाइम हो गया 7:45। तो भरता मैं बनाई आई हूँ, रेसिपी आप लोगों ने देख ही ली होगी, और आप लोग कैसे बनाते हो जरूर बताइएगा, क्योंकि बैंगन का भरता सबका अलग अलग स्टाइल होता है बनाने का भी, और कैसे क्या करते हो कैसे बनाते हो सब बताना। और यहाँ सो गया मेरा कुक का, सो गया, आज भी जो झूले पे इतना खेल के आए आते ही थक गया, पहले तो बोला खाना दो, खाना खाते ही सो गया। तो हे गाइस हो गया है टाइम 9 और हो गया सबका डिनर खाना पीना, बच्चे दोनों सो गए आज बिना सुलाई ही सो गया, एक्चुअली दोनों बहुत ज़्यादा थक गए, नीचे इतना खेल के आए ये लोग, स्केटिंग करिए 2.5 घंटे में आए ऊपर, तो मैं बता भी रही थी बीच में ब्लॉग में कि बच्चे नहीं आए, तो ये बहुत ज़्यादा खेल के आए, थक गए दोनों सो गए। मेरे लिए अच्छा हो गया आज, तो मेरे को भी रेस्ट मिल जाएगा और ब्लॉग एडिट कर लूँगी अपना आराम से। तो फोन ही कित के आए नहीं है अभी, और बाकी हम सबका हो गया खाना पीना, बस बैठे टाइम पास गप्पे शप्पे मारे। तो ये था आज का व्लॉग, और कैसा लगा आप लोगों को व्लॉग जरूर बताइएगा। सो हो गए हैं 400 सब्सक्राइबर कंप्लीट, बस इसी तरह करके 1000 तक पहुंचना है, पहले चैनल मोनेटाइज कराना है, तो उसके बाद देखते क्या होता क्या नहीं, है ना। तो अगर भी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन पर आप लोगों को मिलती रहेगी। और मोनी कहती हैं अभी क्लिनिक वो दोनों नहीं आए हैं, और वो दोनों मेरे व्लॉग में भी कम दिख रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा उन लोगों को, अभी खेत की मम्मी के घर पे थी, कल ही आई है वो, तो अब क्लिनिक है, पूरा दिन मेरा व्लॉग कंटिन्यू रहता है, दिन में आते हैं वो लोग थक जाते हैं, तो रात को अभी भी लेट ही आएंगे, 9 बज गए अभी तक आए नहीं है, शायद पेशेंट होगा कोई, कई बार तो आ जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि नहीं आ पाते। तो बस ये था आज का क्यूट सा छोटा सा व्लॉग, और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आप लोगों ने इन्जॉय भी करा होगा। सो करती हूँ इस व्लॉग का एंड यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय। 300 की तो एंड ऑफ सीजन सेल तो कई दिन तक चल रही है ना, वैसे तो मॉल चालू तो है, हां मॉल में नहीं मिलेगी, मॉल में ही है ये भी, इसी पे ये है, आगे बढ़ जाके चेक करियो, डाल देना नहीं सर, गोल्ड फ्रॉक मैंने सिकेट की पैर चाहिए थी, क्या उसी देख देना एक बार, मैं फिर पसंद कर दूंगी इसे, मत देखना मैंने कुर्ती, हां नोनू की जींस निकाले होंगे, जींस पहरे सोता पड़ा, दवाई भी रह गई उसकी, और सो रहा है, चिल्ला मत सो रहे है, चिल्लाता है बाहर था पागल, ये अच्छी लग रही है भाई, येलो देखो कितने की है, कितने की है, ओनली 857 तो साइज देखी सुबह, मेरे तो आज तक एक नहीं लेने दिया मम्मी ने, यो कप्तान कितना बन था मेरा कि एक ले लूं जींस का नीचे, एक नहीं लेने दिया मम्मी ने मेरी, हाय येलो अच्छी।